व्हाट यू सो, यानी आप वही काटते हैं जो आपने बोया है। लेकिन मौसम की मार और कई बार फसलों में लगने वाली बीमारी के कारण आप वो नहीं काट पाते जो आपने बोया है। लेकिन अब एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने से ये स्टेटमेंट सही साबित हो रही है, क्योंकि अब आप वही काट पाते हैं जो आपने बोया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में AI भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा ब्रेन जिसे खुद इंसान ने ही तैयार किया है। इनमें रोबोट से लेकर चैट बॉक्स और वो तमाम सॉफ्टवेयर शामिल हैं जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। मतलब इनको बनाने में वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगती है और इसके बाद ये खुद ब खुद काम करते हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का इस्तेमाल अब कृषि में भी किया जा रहा है। कृषि में इस टेक्निक के इस्तेमाल ने किसानों के सपनों को मानो पंख दे दिए हैं, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी के जरिए फसल को होने वाले नुकसान की जानकारी पहले ही मिल जाती है। इस नुकसान में फसल में कीड़ा लगने से लेकर अन्य प्राकृतिक आपदा जैसे पाला, ओले गिरना, बाढ़, सूखा आदि शामिल हैं। इसके साथ ही किसानों को फसल बोने के वक्त खेत की नमी, उर्वरक, सिंचाई की मात्रा सभी कुछ पहले से पता चल जाता है, जिसके आधार पर किसान पहले से ही आने वाली आपदा का उपचार कर लेता है। जाहिर तौर पर जब नुकसान की गुंजाइश खत्म हो जाती है तब मुनाफा बढ़ना लाजमी है। तो कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त तरीका है। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप के आज के सफर में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रीति चौधरी से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कृषि जगत में उम्दा काम कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं फिर गाजियाबाद के गोविंदपुरम में, जहां आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रीति चौधरी से और जानते हैं उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ और आपका भी स्वागत है हार्वेस्ट ग्लोबल में। थैंक यू सो मच एंड लेट मी वॉक यू थ्रू। चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप क्या करते हैं। हमारा एक टेक्नोलॉजी AI प्लेटफॉर्म है जिससे हम क्रॉप की मॉनिटरिंग करते हैं, सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन को यूज करके। क्रॉप की मॉनिटरिंग इन द सेंस रियल टाइम हम लोग ये पता लगाते हैं क्रॉप का स्प्रेड क्या है अक्रॉस द कंट्री और कितनी ईल्ड आने वाली है और प्राइसिंग एनालिटिक्स। सो इट्स अ फुल स्टैक सॉल्यूशन जहाँ पे क्रॉप का एरिया से लेकर और क्रॉप की प्रोडक्शन से लेकर और प्राइसिंग एनालिटिक्स पे काफ़ी हमारा फोकस रहता है, जिससे ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन क्रॉप के प्रोड्यूसर्स को नहीं, क्रॉप के जो बिजनेसेस हैं उनको भी एक तरह से एक बेटर कोलैबोरेशन, एक बेटर यू नो अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटेट कर सके विज़ावेज ग्रोअर्स एंड बिजनेसेस। तो थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूंगी, जैसे कि मुझे मालूम है कि सैटेलाइट के थ्रू आप ये काम करती हैं, तो किस तरह से किया जाता है? अगर सैटेलाइट से हमारे को किसी क्रॉप का एकर्स या एरिया स्प्रेड अगर हमारे को पता करना है, सो वी हैव टू लेबल द स्पेसिफिक क्रॉप यू नो एंड देन फॉर वाइडर ज्योग्राफीज। तो हमारी लेबलिंग होती है सबसे पहले, एक 100 सैंपल साइज पर्टिकुलर क्रॉप का हम लेते हैं। लेट्स से राइट नाउ अगर हम कैबेज का स्प्रेड यूपी काउंसिल के लिए एक हॉर्टिकल्चर असेसमेंट उनके लिए सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें उनको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का स्प्रेड चाहिए अक्रॉस द तराई रीजन विच इज़ लाइक डिस्ट्रिक्ट लाइक हापुड़ योर मेरठ एंड यू नो बुलंदशहर। सो वट वी डू इज़ लाइक वी टेक 100 यू नो फील्ड्स, वहाँ पर सैम्पलिंग करके प्रॉपर क्रॉप को लेबल करके फिर हम उस पूरे एरिया की सैटेलाइट इमेजरी एक्वायर करते हैं। सैटेलाइट इमेजरी पर फिर हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं उस क्रॉप के बेसिस पे जो वो लेबल्ड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है, जिससे कि सुपरवाइज क्लास। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट दैट्स हाउ प्रोसेस लुक्स लाइक। ऑन द बेसिस ऑफ 100 सैंपल्स यू नो वी यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स, वी यूज सैटेलाइट इमेजरी एंड सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, मशीन लर्निंग मॉडल्स एक्सेट्रा टू बेसिकली एस्टिमेट एरिया कितना है। एंड देन इसी हिसाब से फिर प्रोडक्शन एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स में होता क्या है,
बिल्कुल वही एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज लिया जाता है क्रॉप का, जिसमें 5 मीटर बाय 5 मीटर के एरिया से क्रॉप कट होती है, उसके एरिया पे कितनी प्रोडक्शन आ रही है उस पर्टिकुलर एरिया से, फिर वो एक्सट्रापोलेट होते हैं रिजल्ट. सो दीज आर यू नो वेरी मच मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग टूल्स विच गो इन टू द प्ले टू बेसिकली you know to carry out the area covered by a crop, the production which would be coming out from the particular geography, and of course you know for the pricing analytics we take a lot of historical data. Mandis mein kya rate chal raha hai, in fact government ke portals hain, AgMarket etc, jiska hum data you know web scraping karke or you know APIs extract karke we put ML models on the pricing also to understand historically क्या trend रहा है pricing में, जिससे कि वो trend जो है वो grower को भी help करता है कि उसको इस बार ये फसल बोनी चाहिए या नहीं बोनी चाहिए. Similarly for businesses also उनकी supply chain को plan करने के लिए बहुत ज़्यादा help करता है. तो यही हमारा solution है, full stack crop के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए कि उसका spread कितना है across the globe, not just India, we do it across the globe. In fact we are working with Canada Trade Commission. So global players से लेकर government से लेकर और एक छोटे ट्रेडर्स तक हमारा सोल्यूशन वायबल है. स्पेसिफिकली FPOs पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है अब, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यू नो इनिशिएट ले रही है, एंकरेज कर रही है फार्मर ग्रुप्स को यू नो एक सिस्टमैटिक फार्मिंग अडॉप्ट करने के लिए. उनके लिए ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो बहुत अवेयर रहते हैं कि उनको क्रॉप इस बार ये बोनी चाहिए और कितने एरिया में बोनी चाहिए, कितना प्रोडक्शन आएगा तो उनको क्या इनकम हो जाएगी. सो इट्स लाइक दिल हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन टू देयर सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइसिंग ऑल्सो. तो यहाँ पर एक सवाल और आपसे प्रीति जी जानना चाहेंगे कि जब आपने ये वेंचर स्टार्ट किया तो वो क्या था, वो क्या मोटिवेशन था कि आपने इसी फील्ड को अडॉप्ट किया? अपना स्टार्टअप यू नो स्टार्ट करने से पहले आई वॉज वर्किंग विद IBM हांगकॉन्ग और मैं ऑलमोस्ट पिछले 2017 से पहले आई वॉज इन हांगकॉन्ग फॉर अबाउट 4-5 years. एक मल्टी मिलियन डॉलर्स के यू नो लार्ज स्केल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में लीड करती थी. मुझे ये लगा कि मेरा जो टेक्निकल नो हाउ है, मेरा जो एक इकोसिस्टम है, मेरे पास जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, मैं उसको लीवरेज करके ये जो ब्रिज है इंडियन एग्रीकल्चर के लैंडस्केप में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का, वो ब्रिज कर सकती हूँ. दिस इज व्हाट आई फेल्ट एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट. जब तक हमारा डिमांड सप्लाई का डायनेमिक्स हेल्दी नहीं होगा, वी वॉन्ट बी एबल टू रियली यू नो इम्प्लीमेंट एनी स्ट्रेटजी दैट कैन रियली डू एनी सॉर्ट ऑफ यू नो एडवांटेज टू द फार्मर और एनी स्टेक होल्डर अक्रॉस द वैल्यू चेन. सो यही एक यू नो सो इट वॉज अ मल्टीपल फैक्टर्स दैट बेसिकली यू नो इन अ वे encouraged me or inspired me to enter into an agriculture. आपसे ये भी जानना चाहेंगे जब आपने स्टार्टअप शुरू किया, क्योंकि इंडिया में इस तरह के कॉन्सेप्ट थोड़े से नए भी हैं और अभी जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है, क्या कुछ चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में? जब हम लोगों ने वेरी फर्स्ट POC करी एंड हम लोग, मेरे को अभी भी याद है, मंडोरा फ्लोरिकल्चर वॉज द FPO जिसको हमने ये सोल्यूशन दिया दैट यू नो विल बी मैपिंग योर ज्योग्राफीज थ्रू सैटेलाइट एंड ड्रोन्स. They were really taken aback. अरे मैडम सैटेलाइट से करेंगे, क्या मजाक कर रही हैं? This is what I heard. I mean almost all of them and their pradhan ji, you know, he was the one who showed bit of an interest, maybe considering कि अगर इतने पढ़े लिखे लोग आके कुछ बता रहे हैं तो पागल तो होंगे नहीं. Honestly speaking, this was my first hand experience, but all of them were like, are you serious? Satellite से आप हमारा खेत मैप करोगी मैडम? प्राइस कितना होगा ये कितना? सो दे वर लाइक, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हम तो जाके कभी भी अपना खेत देख सकते हैं, हमारे को आप ऐसा क्या देने वाले हो? सो चैलेंजेस फार्मर लेवल पे अडॉप्शन से लेकर और उसका बिलीफ तक कि क्या टेक्नोलॉजी ऐसा कर सकती है, क्या सैटेलाइट इमेजरी ऐसा कुछ अचीव कर सकता है. सो बहुत चैलेंजेस हम लोग को आए इंडिया में. तो प्रीति जी, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने हैं? यंगर जनरेशन बहुत ज्यादा यू नो एंकरेज्ड है, बहुत इंस्पायर्ड है ऐसे ऐसे डिजिटल सोल्यूशन अडॉप्ट करने के लिए. इनफैक्ट हमने अभी कुछ कुछ जो किसान सम्मेलन और मेलाज हुए हैं उनमें अपना बूथ सेटअप किया था. सो उसके बाद से जो हमारे को ट्रैक्शन फार्मिंग कम्युनिटी स्पेसिफिकली यंग जनरेशन से मिला है वो दैट हैज बीन ट्रेमेंडस. लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूसरा चैलेंज है सोल्यूशन की यूनिट इकोनॉमिक्स का, उसकी प्राइसिंग का. देखिए ये प्राइसिंग यू नो सैटेलाइट इमेजरी से जो मॉनिटरिंग होती है ये पूरा टेक सोल्यूशन है. टेक्नोलॉजी अपने आप में एक थोड़ी सी यू नो प्राइसी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. सो उसको फार्मर को कैसे वायबल बनाया जाए, ये हम PM मोदी जी के यू नो कैबिनेट से भी एज अ स्टार्टअप जब हम लोग उनके साथ डिस्कशन में थे यू नो तब भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे को डिजिटाइजेशन अचीव करना है देन समवेयर वी हैव टू सीक सब्सिडाइजेशन. सो जो
जो पॉलिसी या जो रिफॉर्म्स मोदी गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट्स ने, इनफैक्ट नॉट जस्ट मोदी गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट्स ने यू नो बैक इन दोज 1975 और अर्ली 80s एंड 90s में अडॉप्ट किए थे इन ऑर्डर टू यू नो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए, कि फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज किया था, देन ओनली इट बिकेम पॉसिबल, तभी वो फार्मर के लिए पॉसिबल हो पाया कि वो यूरिया खरीद पाया। आज की डेट में भी अगर आप बिना सब्सिडी के यूरिया या डीएपी बेचो तो फार्मर की पॉकेट नहीं है उसको खरीदने की। सिमिलरली अगर हमारे को टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एक लार्ज स्केल पे हिंटरलैंड्स में हर फार्मर के घर में चाहिए, तो हमारे को वही एक पॉलिसी चाहिए, सब्सिडाइजेशन फॉर डिजिटाइजेशन। ने ये वेंचर शुरू किया तब से और अब तक में क्या बदलाव पाते हैं? हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम अकेले स्टार्ट किया, लाइक आई मीन एवरीबॉडी स्टार्ट्स ऑन देयर ओन, सब अकेले स्टार्ट करते हैं। फिर हम इकोसिस्टम को एज अ पार्टनर्स, यू नो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, ग्रोथ पार्टनर्स, हम जोड़ना चाहते हैं इकोसिस्टम प्लेयर्स को। सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़े वो हमारे कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे, जिसमें मिस्टर नागी एक हैं, जिनको आई मीन ही इज अ थॉरो इन्वेस्टर। उनका फोकस, उनको ये लग रहा था कि यस दिस इज द एज इंडिया इज लुकिंग एट, यू नो कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अगर कहीं लैकिंग है एग्रीकल्चर में, इट रियली हैज दैट यू नो वास्ट स्कोप। उनके बाद हमारे साथ जुड़ा एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सेलरेटर, इंडिया एक्सेलरेटर, एंड देन जो फार्मर के लिए हमारे को चाहिए था अल्टीमेटली, पूसा कृषि। जब हम लोग उनके अंडर में आए एज अ इंक्यूबेटर और जब वो ब्रांड जुड़ा पूसा कृषि का हमारे साथ, तो फार्मर को जब हमने पिच किया तो हमारे को जो चीज पहले 10 बार बोलनी होती थी वो बस एक ही बार में, फार्मर्स, अच्छा पूसा जुड़ा हुआ है आपसे, दिस इज द इक्विटी दैट गेट्स बिल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो कहीं ना कहीं ये हमारी वजह से कम, इकोसिस्टम पार्टनर्स ने जो हमारे में कॉन्फिडेंस दिखाया, या तो वो इन्वेस्टर्स रहे या वो इंक्यूबेटर्स रहे या वो एक्सेलरेटर्स रहे या इनफैक्ट डॉक्टर नीरू भूषण रही यू नो पूसा कृषि की सीईओ, तो इनके कॉन्फिडेंस की वजह से थैंकफुली आज की डेट में जब हम अपना सोल्यूशन पिच करते हैं, या तो हम किसी टॉप लेवल की कंपनी को करें या एफपीओ का या किसान को, वो सब खड़े होके सुनते हैं, वो सब दोबारा रीच बैक करते हैं कि हाँ जी हमारे को सोल्यूशन चाहिए, आप प्राइसिंग प्लीज वर्कआउट कर दीजिए। क्रॉप्स में शुगर केन से लेकर मस्टर्ड तक और राइस तक ऑलमोस्ट सारी क्रॉप्स हम कवर कर चुके हैं। सो बहुत ही यू नो एक तरह से सरल हो गया है जो हमारा बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता था कि पिच करके फार्मर को समझाना है, वो चीज़ हमारी अब यू नो बहुत हद तक कट डाउन हो गई। बिल्कुल, वैसे भी हम जानते हैं कि जो भारत है वो गांवों का देश है और जो खेती है वो यहाँ की रीढ़ है, और जब हमारा देश का किसान मजबूत बनेगा, जब हम उसे पावर करेंगे, जब हम उसको एम्पावर करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे, तभी जो देश है वो तरक्की करेगा। तो आप बेहद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रीति जी इसमें, और जाहिर तौर पर सरकार आपको मदद करेगी क्योंकि सरकारें यही चाहती हैं कि देश तरक्की करे, और देश की तरक्की किसान से सीधे तौर पर जुड़ी है। अगला सवाल आपसे यही है, क्योंकि बातें हमने बहुत सारी कर ली हैं, कि जो आप बता रही है उसको हम कैसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि लोगों को भी और अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, सो प्रैक्टिकली देखने के लिए देखिए, अभी हम जैसे कि मैंने कहा यूपी काउंसिल ऑफ एग्री रिसर्च, ये श्रृंखला है यूपी सरकार की जो एग्रीकल्चर में जितने भी रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, और इनफैक्ट इन्होंने अभी हमारे को एक यू नो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जिसमें इन्होंने सारी न्यू एज एग्रीटेक कंपनीज को इनवाइट किया। हम टॉप 2 में थे जहाँ पे जिनका सोल्यूशन उनको बहुत ज़्यादा यू नो अट्रैक्ट किया। वाई? बिकॉज एक तरह से रूट कॉज को एड्रेस कर रहे हैं हम लोग, कि हम कितना उगा रहे हैं, कितनी हमारी डिमांड है, प्राइसिंग एनालिटिक्स क्या है। सो इसके तहत हम हापुड़ में पूरी वो ग्राउंड एक्सरसाइज हमारी चालू है, हमारी जारी है। सीधे हापुड़ चलेंगे, वहाँ पर प्रैक्टिकल तौर पर देखेंगे कि जो AI टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट के थ्रू किस तरह से प्रीति जी उसका इस्तेमाल करके और जो देश का फार्मर है उसको एम्पावर करने का काम कर रही है। तो आप ले लीजिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, हम यहां से सीधे पहुंचते हैं हापुड़। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल, निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जानेंगे कि प्रैक्टिकली जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है कृषि में। अगर बात करूं कितनी वो ऐसी कितनी कंपनीज हैं, कितने बिजनेस हैं, या इंडिविजुअल किसानों की भी मैं बात करूं तो कितने लोग अभी आपसे जुड़े हुए हैं? यूपी गवर्नमेंट एक हमारा बहुत ही प्रोमिनेंट और अपकमिंग कस्टमर हमारे को लग रहा है। हम बहुत ज्यादा उनके क्लोज टच में है, उनके लिए कुछ POCs भी कर रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज अभी हमारा 20 से 25 का इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का नंबर है जिनको हम ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रॉप की मैपिंग की इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बात आती है इंडिविजुअल फार्मर्स की, हम ठीक है सोल्यूशन, जैसे कि हमने अभी बात करी थोड़ी देर पहले कि हमारे सोल्यूशन की यूनिट इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल फार्मर के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग है, तो हमारा टारगेट वहाँ पे हम उस रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं कि हम सोल्यूशन FPO के थ्रू रोल आउट कर रहे हैं। सो FPO से हम कुछ कनेक्टेड हैं, 3-4 FPO से, उन FPO में ऑन एन एवरेज 300 से 500 के बीच में मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे हम जुड़े हैं करीब 1300 के आसपास फार्मर मेंबर से, जिनको हमारा फोकस है प्रोवाइड कराना पूरी उनकी क्रॉप की मैपिंग नियर रियल टाइम, एक तरह से कि वो जांच, मतलब एक तरह से अपनी खेती की निगरानी कर पाएँ यू नो रिमोटली घर में बैठ के, और क्रॉप का इंश्योरेंस जो सबका फोकस है, इनफैक्ट यू नो PM मोदी जी का भी जो ये PMFBY फसल बीमा योजना के पीछे का यू नो मोटिव ही ये था कि किसान की अगर फसल बर्बाद हो गई है तो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, ही शुड हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, राइट। तो उसमें हमारा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसान अब उस दूसरे डायमेंशन को देखते हुए कि यू नो डायरेक्ट वो कॉस्ट अगर नहीं बेयर कर पा रहा है, तो जो क्रॉप इंश्योरेंस का के एवज में जो उसको एक इनकम हो रही है, जो एक बेनिफिट हो रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं इंस्पायर और एंकरेज कर रहे हैं सोल्यूशन अडॉप्ट करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो कितने लोगों को आपने अभी तक एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि हम एक टेक कंपनी है सो फील्ड फोर्स हमारा रहता है, बट दैट इज जस्ट 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स। सो ऑन एन एवरेज हमारे पास 23 रिसोर्सेज हैं आज की डेट में। उन 23 रिसोर्सेज में मेजॉरिटी हमारे टेक रिसोर्सेज हैं, रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट हैं, GIS एक्सपर्ट हैं, एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर विजन इंजीनियर्स हैं, मैं खुद एक डेटा सेंटर आर्किटेक्ट हूँ। सो हम लोग के ऑन एन एवरेज 17 पीपल आर इनटू टेक्नोलॉजी एंड रेस्ट अबाउट 7-8 पीपल इनटू द फीट ऑन ग्राउंड काइंड ऑफ सपोर्ट, जो हम ग्राउंड लेबलिंग क्रॉप्स की करते हैं जी। बिल्कुल, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज की डेट में जो भी पढ़ लिख गया वो चाहता है एक अच्छी जॉब, स्पेशली सरकारी जॉब वो चाहता है कि मुझे मिल जाए। लेकिन मैं, मेरा मकसद ये था सवाल पूछने का प्रीति जी, कि जब हम स्टार्टअप कोई शुरू करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए स्वरोजगार नहीं तलाशते, हम उसके साथ साथ तमाम लोगों को भी रोजगार मुहैया कराते हैं, जो कि देश के लिए बेहद जरूरी है। अगर मैं कंपनी के टर्नओवर की बात करूं, हाँ तो वो इस वक्त कितना है? सो हमारी कंपनी की टर्नओवर अगर आप देखें तो अभी है 30 लाख के आसपास। वैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था 2021 में ही, मतलब 2022 में इस फरवरी को ही हमने इसी साल अपना प्रोडक्ट एक फुल स्केल पे लॉन्च किया था। इनफैक्ट फिर हमने बीच में थोड़ा सा कस्टमर के रिव्यू आने के बाद फिर से हमने इसको POC में लिया। तो अभी देखिए दो चीज़ें हैं, जो हमारी डिमांड फनल है वो तो मल्टीपल करोड़ की है, अगर देखा जाए तो 8-10 करोड़ के ऑर्डर्स हमारे पास ऐसे हैं जो हम यू नो असेस कर रहे हैं, कुछ कुछ या कन्वर्सेशन में है, बट एक्चुअल बुक्स में रेवेन्यूज हमारा बस पेड POCs का ही है। एज सच हमने फुल स्केल लॉन्च जो है वो हम प्रोसेस में है फुल स्केल लॉन्च के, तो उसमें हम लोगों ने पेड POC कहना ज़्यादा बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ रेवेन्यूज, क्योंकि रेवेन्यू एक वो स्टेज अब है जिसको अब हम यू नो एक तरह से रीच कर रहे हैं रेवेन्यू वाली। सो वहाँ पे कुछ हमारे जो बहुत की कन्वर्सेशंस हैं विच इज़ विद UP काउंसिल ऑफ एग्री रिसर्च, विच इज़ विद कपल ऑफ FPOs, तो पेड POCs हमने करी हैं अबाउट 25 लाख to 30 लाख की। तो सामने आपकी AI टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रोन को उड़ाया जा रहा है, और वहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा सा बताएंगे मुझे? ड्रोन से डेटा मैपिंग, आई मीन ड्रोन मैपिंग इज वन ऑफ द मेथडोलॉजीज। अनदर मेथडोलॉजी दैट वी यूज इज बेसिकली
the mobile app. So this is a drone mapping which is going on right now in the field. So let's say अगर हमारे को crop का health estimation करना है, हमारे को crop का damage estimation करना है, crop health maps बनाने हैं, that is done with the help of drone imagery. Satellite imagery से usually health mapping इतनी proper नहीं हो पाती है. In such cases we use. So ये drone specifically mapping के लिए ही है. There are other variety of drones also. Let's say अगर किसी को digital farming solution चाहिए, spray करवाने हैं drone से. मैं आपको अब अपनी team से introduce करा देती हूँ यहाँ पे. So ये हमारी team है remote sensing expert तरुण और ये drone pilot है अनिल जी. So drone pilot करना, data map करना is one aspect. Data को analyze करना is another aspect. That's where, like we said, we are a data analytics company. Mapping के बाद में data analytics का जितना काम होता है, तरुण takes care of that. तो तरुण, welcome to our show, Krishi Startup. Thank you. आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो basically हम लोग अभी drone fly कर रहे थे. हम लोग पूरा का पूरा area map कर रहे हैं. मैप करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उन इमेजेस को यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग ये बताते हैं कि आपके खेत के किस हिस्से में न्यूट्रिशन की कमी है और न्यूट्रिशन की कमी है तो किसकी वजह से वो कमी है. उसके बाद हम लोग ये एडवाइजरीज जो होती हैं, ये जो आउटपुट्स होते हैं, ये सब मैप्स वगैरह जनरेट करते हैं एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन. राइट, तो जैसे आपने बताया कि आप हेल्थ टेस्टिंग एक तरह से करते हैं. हाँ जी. तो वो किस तरह से, मतलब इमेज आ जाती है, फिर वहाँ से वो, फिर उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? हाँ, तो क्या होता है, सबसे पहले इमेजेस आते हैं. हर इमेज जो होती है उस इमेज में बैंड्स होते हैं. हम लोग अपने एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, वो बैंड्स को एनालाइज करते हैं. ग्राउंड से हमारे पास डेटा आता है, उसके कोलैबोरेशन के साथ वी कम अप विद द सॉल्यूशंस और वो सॉल्यूशंस यूज़ करके हमारे एक फाइनली एक जनरेटेड आउटपुट होता है, वो हम लोग डैशबोर्ड पे देते हैं. वाओ, अब बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है मुझे देख के कि खेतों में ड्रोन उड़ा रहे हैं आप, तो ये वाकई काफ़ी हैपनिंग है. तो यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं ना, उनसे भी आगे बात कर लेती हूँ. तो दुष्यंत, आप यहाँ पर फील्ड वर्क देखते हैं, कैसे किस तरह से फील्ड वर्क होता है यहाँ पे, थोड़ा सा हमें समझाएं. मैम, जो यहाँ पे कंपनी का हार्वेस्ट ग्लोबल के नाम से एक ऐप है, उसे मैं लेके जो ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ, तो फील्ड में जाने के बाद जो भी क्रॉप यहाँ पे उस टाइम पे खड़ी हुई होती है, उस क्रॉप में बीच खेत में जाके मैं लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड लेता हूँ. उससे हमें यह पता चलता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करता हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे सपोज करो इस टाइम पर यहाँ पर कैबिज है, तो कैबिज में इस हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं, तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में कैबिज कितने एरिया में उगाया गया. तो आप ऐप की बात कर रहे हैं, आप ऐप से देखते हैं? ऐप से देखता हूँ. उसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें बीमारी क्या है, इसमें किस पोषक तत्व की कमी है. ये सारी चीज़ें आती हैं कि जब सपोज करो जिंक है, सल्फर है, या पोटास है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ें, ये हमें ये सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती है कि इसमें किस चीज़ की कमी है. अभी जैसे हम ये कैलीफ्लोर में खड़े हुए हैं, तो इसमें एक बीमारी आई हुई है कीट वाली जी, ये तो ये इंसेक्टिसाइड है, तो ज़्यादातर जो होता है ये फंगस की बीमारी है. तो फसल के साथ साथ क्या यहाँ पे मिट्टी की भी टेस्टिंग की जाती है? मैम, मिट्टी की भी टेस्टिंग होती है. उसी ऐप से हम जो सैटेलाइट का है, उससे हम ये जानकारी कर लेते हैं कि मिट्टी के अंदर किस चीज़ की कमी है जी. जो बीमारियाँ हैं उन्हें हम बता सकते हैं कि आपके खेत में जो बीमारी है, इस ये बीमारी इस पोषक तत्व की कमी से है, आप ये पोषक तत्व यूज कीजिए, वो बीमारी खत्म हो जाएगी. तो मज़ा आ रहा है आपको किसानों के साथ जुड़कर? बिल्कुल. एग्रीकल्चर में इसकी ज़रूरत इस समय बहुत है. अगर आप जैसा देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारे देश की जनसंख्या जो है वो दुनिया के सभी देशों में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, लगभग 130 करोड़ यानी कि 1.3 बिलियन से ज़्यादा, 1.4 बिलियन तक भी जा सकते हैं. तो अब जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो फूड प्रोडक्शन हमको ज़्यादा करना पड़ेगा. और जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने इच्छा जाहिर की है कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, देश के दुनिया के अन्य देशों को भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, उनको भी अनाज खाद्यान्न प्रोवाइड करेंगे. तो हमारे यहाँ मानी हुई बात है कि उपज होगी, तो जो उपज हम खाद्यान्नों की करेंगे तो वो जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उससे अब ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, खाद डालना ये करना. यहाँ पे हम लोग जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करेंगे उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. तो आज हमने जाना AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का इस्तेमाल कृषि में किस तरह से किया जा रहा है. प्रीति जी, आपसे बातचीत करके आज मज़ा आ गया और आप वाकई बेहद अच्छा काम कर रही हैं और जो भारत है उसको वाकई ज़रूरत भी है ऐसी ही टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में, जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चर का फील्ड है वो ग्रो करे. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस. थैंक यू रिंकी जी.
कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ रहे हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।